हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरा किचन में बन रहा है हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसको बनाना इतना आसान है और घर का सामान से ही आप लोग बना के रेडी कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल मैंने बना लिया, स्प्राउट बना लिया घर में, और फ्लैट राइस, तो जिसको बीटन राइस भी कह सकते हैं, पीनट्स लिया, एक टुकड़ा अदरक लिया और ग्रीन चिली लिया। तो आपको घर में तो अवेलेबल है, तो ज़रूरी आप इसको आराम से बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैंने ग्राइंडर जार में एक एक करके डालते रहेंगे। अब देखिए, पहले हरी की डाल दिया, फिर उसमें हम लोग पीनट्स को जो रख दिया, पीनट्स कच्चा होना चाहिए, इसको फ्राई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ग्रीन चिली डाल दिया और अदरक के टुकड़ों को स्मॉल स्मॉल पीसेस को करके उसके अंदर डाल दिया। और जो बीटन राइस, फ्लैट राइस जिसको कहते हैं उसको, और चिमला भी कहते हैं उसको, ना इंस्टेंट धो लेना है। जैसे पहले से ही धो के रखेंगे तो बहुत गीला हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इंस्टेंट धोने के लिए इससे रख दिया था। तो अभी धो के आप डायरेक्ट इसको ग्राइंडर जार के अंदर ही डाल दीजिए। तो हम लोग जो पेस्ट बनाएंगे ना, वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए पानी को थोड़ा सा स्क्वीज करके ही डालना है। अभी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा ऑप्शनल है, लेकिन ये और भी हेल्दी बन जाएंगे। तो अभी देखिए, इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट जैसे हम लोग डोसा बैटर बनाते हैं ना, उसी हिसाब का। तो आपको थोड़ा सा पानी चाहिए तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गीला मत कीजिए, तब तो आपको डोसा बनने में ज़्यादा टाइम लगेंगे और इतना अच्छा से वो निकाल के नहीं आते हैं। तो अब देखिए, आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने कास्ट आयरन तवा लिया, इसको मीडियम गर्म करना है, उसका बाद डोसा बैटर को डाल के इसको हल्के हाथों से इसको फैला देना है। तो अभी फैल दिया। आप देखिए, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ऑयल साइड से दे रही हूँ मैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप, मैंने रिफाइन ऑयल डाला, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है उसी शक पर डाल सकते हैं, इवन उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो अभी देखिए, इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना, तब तो ये जल जाएंगे और दूसरा साइड से इसको कच्चा रहने का चांसेस होती है। तो एक साइड हो गया, मैंने इसको पलट दिया। आप देखिए कितना सुनहरा कलर हो गया ना, बहुत ही ऐसे ही गोल्डन कलर हम लोगों को चाहिए। और फिर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, मुझे ऑयल बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना टेस्टी है, इसमें कोई चटनी भी नहीं चाहिए आपको, इतना अच्छा लगेगा खाने में। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए इस रेसिपी को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ट्राई कीजिए, छुट्टी का दिन स्पेशली। मूंग की दाल एक दिन पहले भिगो के रखना है, उसको स्प्राउट आने तक आप लोग वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भिगो ही जो मूंग दाल है उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने स्प्राउट बना लिया, तो उसमें और भी फाइबर आ गई, तो और भी हेल्दी बन गई। तो अभी दोनों साइड हमारा देखिए गोल्डन कलर हो गई। अभी इसको हम लोग सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देखिए, इसको कोई दही का साथ, ग्रीन चटनी का साथ, जो मन चाहे आप उसका साथ सर्व कीजिए। फिर रिपीट करना सेम प्रोसेस, फिर दूसरा हम लोग डोसा बना रही हूँ, सेम प्रोसेस में इसको निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप नॉनस्टिक तवा लेंगे तो और भी अच्छा है। आप देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और ग्रीन चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप देखिए, दूसरा डोसा भी हमारा रेडी हो गई। तो कितना जल्दी बन जाते हैं ना, तो ज़रूर इसको बनाइए, फैमिली को हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए और हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नया कई नया रेसिपी के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।